देखिए निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है सीवर लाइन में जो दो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, घटना बहुत ही दुखद है। और कल ही मैंने तत्काल जैसे ही जानकारी मिली थी तत्काल जांच के आदेश दे दिए थे और आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। परंतु प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है और इसलिए पुलिस इसमें 304 में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हम लोग क्या कार्रवाई और कर सकते हैं वो भी देखेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए अधिकतम मदद हो सके इसका भी प्रयास किया। इसीलिए हमने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट शाम तक बुलाई है। उस रिपोर्ट में वो ये दोबारा हादसे ना हो उस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे और ये जो पूरा काम चल रहा है प्रदेश में जहाँ पर भी चल रहा है इसमें हम पूरे जो निर्देश हैं जो एग्रीमेंट है उसकी जांच कराएंगे और उसमें क्या इस तरह के स्पष्ट प्रावधान है कि नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पूरी तरह से इसमें जो लापरवाही है वो ना हो, इसके सुरक्षात्मक उपाय क्या होना चाहिए वो थे कि नहीं थे। तो मतलब अगर सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे तो जो ये लापरवाही की श्रेणी में भी नहीं आता, ये तो अपराध की हत्या की श्रेणी में आता है। तो सब प्रकार से उसको देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसको हत्या के केस में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग कहेंगे और जो एग्रीमेंट है आगे कंपनियां उस एग्रीमेंट का पालन कर रही है कि नहीं कर रही, एग्रीमेंट में क्या प्रावधान है ये पूरा हम इसका परीक्षण करेंगे और आगे इस तरह की घटना ना हो उसको पूरी तरह से सुनिश्चित। मैं हूँ सीमा वर्मा Time8 मध्य प्रदेश से। Time8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। देखिए निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है सीवर लाइन में जो दो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है घटना बहुत ही दुखद है। और कल ही मैंने तत्काल जैसे ही जानकारी मिली थी तत्काल जांच के आदेश दे दिए थे और आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। परंतु प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है और इसलिए पुलिस इसमें 304 में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हम लोग क्या कार्रवाई और कर सकते हैं वो भी देखेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए अधिकतम मदद हो सके इसका भी प्रयास किया। इसीलिए हमने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट शाम तक बुलाई है। उस रिपोर्ट में वो ये दोबारा हादसे ना हो उस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे और ये जो पूरा काम चल रहा है प्रदेश में जहाँ पर भी चल रहा है इसमें हम पूरे जो निर्देश हैं जो एग्रीमेंट है उसकी जांच कराएंगे और उसमें क्या इस तरह के स्पष्ट प्रावधान है कि नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पूरी तरह से इसमें जो लापरवाही है वो ना हो, इसके सुरक्षात्मक उपाय क्या होना चाहिए वो थे कि नहीं थे। तो मतलब अगर सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे तो जो ये लापरवाही की श्रेणी में भी नहीं आता, ये तो अपराध की हत्या की श्रेणी में आता। तो सब प्रकार से उसको देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसको हत्या के केस में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग कहेंगे और जो एग्रीमेंट है आगे कंपनियां उस एग्रीमेंट का पालन कर रही है कि नहीं कर रही, एग्रीमेंट में क्या प्रावधान है ये पूरा हम इसका परीक्षण करेंगे और आगे इस तरह की घटना ना हो उसको पूरी तरह से सुनिश्चित। मैं हूँ सीमा वर्मा Time8 मध्य प्रदेश से।
टाइम एट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।